हमारे जो ये चाइल्ड लाइन है, ये चाइल्ड लाइन का जो टोल फ्री नंबर है ये 1098 है और ये 24 घंटे उपलब्ध राष्ट्रीय आपातकालीन मुफ्त सेवा है। और ये 0 से लेके विशेषता 18 साल के बच्चों तक ये जो है ये अपनी सेवाएं जो है प्रदान करती है। और कुछ विशेष परिस्थितियों में हम लोग 25 साल तक के युवक या युवतियों के लिए भी जो है वो सेवा उपलब्ध करवाते हैं। इसमें हम जरूरतमंद, अनाथ, अर्ध अनाथ, शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम, अत्यंत निर्धन, स्कूल छोड़ चुके बच्चे को पुनः मुख्य धारा से जोड़ना, नशे में लिप्त बच्चों हेतु परामर्श सेवा, बाल मजदूरी से ग्रस्त बच्चे, गुमशुदा बच्चे, छेड़छाड़ या बलात्कार इत्यादि से पीड़ित बच्चे, शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक शोषण से पीड़ित, पारिवारिक कलह एवं माता पिता के झगड़े से त्रस्त बच्चे, बाल विवाह से ग्रस्त बच्चे, साइबर अपराध से ग्रस्त बच्चे, जन्म पंजीकरण से वंचित, जिन बच्चों का जन्म पंजीकरण नहीं हो पाया है, बच्चों के अधिकारों से जुड़े इसमें जो मुद्दे होते हैं उस पर हम काम करते हैं। एक और हमारी एक बुराई भिक्षावृत्ति है, जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हैं और हम उन्हें बड़े चाव से कुछ लोग भीख भी देते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। और अगर घरेलू बाल मजदूरी से भी कहीं पीड़ित बच्चे हैं तो उनके लिए हम लोग सेवा प्रदान करते हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की सेवा को चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन के माध्यम से 1996 में शुरू किया गया था। आज भारतवर्ष में जो है चाइल्डलाइन के लगभग 703 केंद्र हैं, जिसमें 141 रेलवे चाइल्डलाइन केंद्र हैं, 11 बस स्टैंड चाइल्डलाइन और बाकी जो हैं वो जिला चाइल्डलाइन केंद्र इसमें शामिल हैं। और चंबा में चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन के द्वारा जो हमारी एजुकेशन सोसाइटी जो संस्था है इसके माध्यम से इस सेवा को 16 अगस्त 2012 से चलाया जा रहा है। तब से लेके अभी तक चाइल्डलाइन में पूरे 2930 केस जो है वो दर्ज हो चुके हैं विभिन्न विभिन्न श्रेणियों के लिए, और जिन्हें चाइल्डलाइन टीम द्वारा अपने स्तर पर या प्रशासनिक सहयोग, पुलिस विभाग के सहयोग या जो भी अन्य विभाग है उनके सहयोग से जो है वो सहायता प्रदान की गई है, उन्हें हर तरफ की जो है वो सहायता मुहैया करवाई गई है। तो आज हम चर्चा करेंगे जो 2021-22 जो हमारा ये एक वित्त वर्ष है इसके दौरान जो चाइल्डलाइन में जो हमारे मामले दर्ज हुए हैं उसके बारे में। हमने पिछले वित्त वर्ष में लगभग 512 कुल मिला के 512 केस जो हैं वो यहाँ पे दर्ज किए हैं। मतलब हमें 1098 के माध्यम से 512 ज़रूरतमंद बच्चों की कॉल्स यहाँ पे आई हैं। ये एक चाइल्डलाइन की बात है, जिसमें से बाल तस्करी से कुछ मामले संबंधित थे, कुछ मामले घर से भागे हुए बच्चे, कुछ मामलों में बच्चों के मेडिकल से संबंधित, जैसे उनका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, या बाल मजदूरी चाइल्ड या बाल विवाह, या बच्चों को शेल्टर की आश्रय की ज़रूरत है जिनको CCI में बाल देखरेख संस्थान में डालना है, या कोरोना टेस्ट, जो कोरोना काल था उस दौरान बच्चों को जो कोरोना टेस्ट में कुछ दिक्कतें आ रही थी वहाँ भी हमने मदद करी है, या कोरोना काल के दौरान कुछ गरीब बच्चों ने जो हमें फूड किट के लिए जो खाने पीने की समस्या थी उसको हल करने के लिए हमें कॉल की थी, हमने उसमें भी उनकी भरपूर मदद की है। बच्चों को पेंशन स्कीम से भी जोड़ा है, मदर टेरेसा योजना इत्यादि जो है वो स्कीम, हम गांव में जाके जब भी आउटरीच या ओपन हाउस होता है तो हम वहां डिटेल से लोगों को बताते हैं। इसके साथ भावनात्मक समर्थन और मार्गदर्शन जिसको कहते हैं इमोशनल सपोर्ट एंड गाइडेंस, अगर बच्चा कहीं भावनात्मक रूप से कहीं अगर अपने आप को ये कमज़ोर फील कर रहा है, महसूस कर रहा है, तो वहां पे जाके बच्चे की काउंसलिंग की जाती है। उसके साथ साथ कुछ प्रेम आकर्षण, लव अट्रैक्शन के भी हमारे पास मामले वो भी दर्ज किए गए। बाल शोषण में हम लोग बच्चों की शारीरिक शोषण की बात करते हैं, या भावनात्मक शोषण, मानसिक शोषण, यौन शोषण, छेड़खानी, घरेलू हिंसा या वित्तीय शोषण, ये सारे जो हैं ये बाल शोषण के अंदर ये सारे मामले आते हैं। इसके साथ कुछ शिक्षा से संबंधित मामले भी हमारे पास आए, उसमें से जैसे स्कूल के दाखिले से संबंधित कुछ ड्रॉप आउट बच्चों को हमने दोबारा मुख्य धारा से जोड़ा है, या फिर फीस के संबंध में कुछ कुछ गरीब बच्चों की जो थी वो हमने फीस भी भरी है, या कुछ बच्चों के जो स्कूल के ग्राउंड या बिल्डिंग के इश्यूज थे जिनको विभाग के द्वारा हमने जो है वो उनको हल करवाया है उन मसलों का।
या शिक्षण सामग्री से संबंधित हैं कुछ मामले, बच्चों को शिक्षण सामग्री चाहिए थी, कहीं अध्यापकों के पद रिक्त थे, तो उसके संबंध में भी चाइल्डलाइन में कॉल आई, हमने उसको भी प्रशासन के आगे रखा है। और विशेष स्कूल में दाखिला, कई बार कुछ दिव्यांग बच्चे होते हैं जिन्हें विशेष स्कूल में दाखिल करवाना पड़ता है, तो ऐसे बच्चों के केस भी हमारे पास आए हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से ऐसे केसेस हमारे पास आए हैं जिसमें हम बात कर सकते हैं कि साइबर क्राइम, जो आजकल हमारा जो ये इंटरनेट का युग है और इसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बच्चे कई बार इमोशनली या कुछ ऐसे जल्दबाजी में अपने मित्रों के साथ शेयर कर देते हैं। मैं लड़कियों से विशेष आग्रह करना चाहूँगा, इवन कि लड़कों से भी, क्योंकि ऑनलाइन में आजकल ऑनलाइन ज़माना है और कई बार व्हाट्सएप और फेसबुक में कई बार लड़कों से भी एक गलत आईडी के थ्रू उनसे कुछ ऐसी चीज़ें मांग ली जाती हैं जहाँ पे इमोशनली वो उसको शेयर भी कर देते हैं, या लड़कियों से कुछ ऐसी चीज़ें मांगी जाती है, बाद में फिर उन लड़कियों को उन लड़कों के द्वारा शोषित किया जाता है। तो अगर इस प्रकार का कहीं अगर कोई ऑनलाइन कोई वेबसाइट जो है उसको अगर वो क्लिक करते हैं तो कई बार वो ठगी का शिकार हो सकते हैं, उनका शोषण हो सकता है कुल मिलाकर। इसलिए मेरा आग्रह रहेगा माता पिता से भी और बच्चों से भी कि इस प्रकार की जो ऑनलाइन जो ठगी है या ऑनलाइन जो इस प्रकार सिस्टम एक चल पड़ा है उसके संबंध में थोड़ा सा अगर जागरूक हो जाएंगे तो बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैं विशेषतः अध्यापकों से आग्रह करना चाहूँगा हमारे चंबा जिला के जितना हमारा यहाँ अधिकार क्षेत्र है, क्योंकि गांव में भी बहुत प्रतिभा छिपी है और बच्चों को थोड़ा जो करियर गाइडेंस है, करियर काउंसलिंग है, उस पर मैं आग्रह करना चाहूँगा अध्यापकों से कि बच्चों के करियर के संबंध में उनको ज़रूर जागरूक करें, और उसके लिए उनको भी बहुत अपडेट होना पड़ेगा नई टेक्नोलॉजी के साथ या जो भी अलग अलग फील्ड्स हैं जिसमें बच्चे जा सकते हैं। एक जो भी उनका स्तर है बच्चों का, जिस स्तर के वो बच्चे हैं उस स्तर के हिसाब से अगर उनको सही गाइडेंस सही समय पे मिलेगी तो मुझे लगता है उनको जो स्टडी वो भी जो उनका अध्ययन है वो भी रुचिकर लगेगा, और वैसे भी एक हमारी जो अप्रोच रहेगी कि वो भी एक पॉजिटिव दिशा में जाएगी। और इसके साथ साथ दूसरी चीज़ें जैसे हमने प्रशासन के माध्यम से अभी DCPC की मीटिंग हुई थी, उसमें मैंने DC साहब से रिक्वेस्ट की थी कि सर जो चाइल्डलाइन का टोल फ्री नंबर जो 1098 है, क्योंकि ये बाल संरक्षण से जुड़ा सारा ये जो ताना बाना है, तो क्यों ना इसको जैसे हर आंगनबाड़ी सेंटर में भी इसको जो है वो प्रदर्शित किया जाए, हर थाने में ये नंबर होना चाहिए और हर पर्यटन स्थल पे हो। पर्यटन स्थल इसलिए क्योंकि जो बच्चों की तस्करी होती है, अभी 5-6 साल पहले की बात है, हमारे बाथरी से भी एक बच्चा गुम हो गया था और ऐसा माना गया था कि वो जो बच्चा था वो कहीं किसी कोई गाड़ी पंजाब से आई थी और उस बच्चे को उन्होंने लिफ्ट दी थी और बच्चा बस घर से हार्डली 200 मीटर की दूरी पर उसका स्कूल था और बीच में उस बच्चे को लिफ्ट दी गई, बाद में उसको कुछ खिलाया गया और वो बच्चा बेहोश हो गया और उसके बाद उसको यहाँ से सीधे हमारे चंबा से बाहर ले गए। अभी वो बच्चा मतलब गुम है, उसके लिए पुलिस दिल्ली तक उसको ढूंढ के आई थी, नहीं मिला था वो। इसलिए मैं माँ बाप से स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी वो बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो इस संबंध में ज़रूर सतर्क करें, खासकर जो ये हमारा एरिया पड़ता है, जैसे जो भी बॉर्डर एरिया है, पंजाब का बॉर्डर एरिया है, जो हमारा डलहौजी है या ये अपना बाथरी है, बनीखेत है, आगे तक ये सियुंता है, या जो भी इस तरफ ये हमारा दुनेरा एरिया है, यहाँ के मैं अभिभावकों से स्पेशल अपील करना चाहूँगा कि कृपा करके आप थोड़ा विशेष ध्यान रखें इस चीज़ के ऊपर कि कहीं उनके बच्चों को कोई बहला फुसला के कोई एरिया से बाहर ना ले जाए, कल को बच्चों के साथ अनहोनी जो है वो घटित हो सकती है। तो इसीलिए पर्यटन स्थल के ऊपर इस प्रकार का जो है वो 1098 जो हमारा चाइल्डलाइन का जो नंबर है भी, तो उसके पूरे मैसेज के साथ जो है वो प्रदर्शित होना चाहिए। इसके साथ साथ जो रेन शेल्टर होते हैं हमारे, वर्षालय होते हैं, वहाँ पर भी इस नंबर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे कई बार शोषण का शिकार होते हैं, तो कुछ एक बच्चे ऐसे भी हैं जो विधि का उल्लंघन भी करते हैं, क्योंकि बच्चों को कानून की इतनी जानकारी नहीं होती, तो कई बार वो 15-16-17 साल का बच्चा कई बार कानून का उल्लंघन भी कर देता। तो दोनों स्थितियों में उनकी काउंसलिंग ज़रूरी है, अगर उनके साथ अगर कोई शोषण होता है तो भी ज़रूरी है, अगर वो कुछ ऐसा कर देते हैं जो कि विधि के विपरीत है तो कहीं ना कहीं उनको भी मेन स्ट्रीम करना है, क्योंकि बच्चा है वो अपराधी, उसको अपराधी की श्रेणी में नहीं रख सकते, उसको भी वो सुधार का एक मौका मिलना चाहिए। और इसके अतिरिक्त
इसके अतिरिक्त मैं विशेष कर बात करना चाहूँगा बाल विवाह या बाल शोषण के ऊपर। मेरी सभी अभिभावकों से या जो बच्चे मेरा मैसेज सुन रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी बाल विवाह की घटनाएं हमारे चंबा में होती हैं उस संबंध में कृपा करके आप जो है चाइल्डलाइन के ऊपर सूचित, चाइल्डलाइन का जो टोल फ्री नंबर 1098 है इसके ऊपर आप हमें सूचित करना जो है वो सुनिश्चित करें, क्योंकि एक बहुत बड़ी बुराई है और इस पर अंकुश लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कई बार जो बच्चियाँ कल को अलग अलग फील्ड में एक्सेल कर सकती हैं, इस हमारे प्रदेश को या हमारे ज़िला को बेहतरीन सेवाएं दे सकती हैं, कई बार उनकी जल्दबाजी में जो शादी की गई होती है उस वजह से उनका जो एक जो अपना जो आगे का रास्ता वो फिर बंद हो जाता है, क्योंकि जब वो बच्ची परिवार के बीच में फिर फंस जाती है फिर वो बहुत से बंधनों में फंस जाती है। या हमने ये भी देखा है कि अर्ली मैरिज में हमने एक और चीज़ देखी है कि जो लड़कियां होती हैं उनकी हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा जो है गिरावट आती है। और साथ ही साथ एक और मसला यहाँ पे सामने आए हैं कि ऐसी बच्चियाँ कुछ जो घरेलू हिंसा का भी शिकार हो रही हैं। तो और तीसरा बड़ा एक और जो कारण है बाल मजदूरी का, नहीं क्षमा चाहूँगा, बाल विवाह का जो एक हमें ये देखने को मिला है कि बहुत सी लड़कियों की शादी अगर हम 16 साल की उम्र में कर देते हैं तो कई बार जब बच्चा पैदा होता है वो भी रजिस्टर नहीं हो पाता, उसका जन्म पंजीकरण नहीं हो पाता। तो क्योंकि बाल विवाह हुआ है तो लड़की तो पंचायत में लिखी नहीं जाएगी या कहीं भी कमेटी में लिखी नहीं जाएगी, तो उसके बाद जो बच्चा पैदा होता है वो भी लिखा नहीं जाएगा। तो इस स्थिति में फिर वो चीज़ें लंबी खिंच जाती हैं। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बाल विवाह को आप हल्के में ना लें। इस बाल विवाह से बहुत सारी बुराइयां जो है समाज की जुड़ी हुई हैं। कृपा करके आप इसमें नहीं हमारा सहयोग नहीं बल्कि आप इसमें एक समाज को बदलने का बीड़ा उठाइए, क्योंकि ये कोई किसी एक विभाग की, चाइल्डलाइन की या प्रशासन की या पुलिस विभाग की या दूसरे महिला और बाल विकास विभाग की ही जिम्मेदारी नहीं है। ये जिम्मेदारी हर एक नागरिक की है, क्योंकि ये एक सकारात्मक बदलाव है समाज का, तो इसमें सभी को बीड़ा उठाना चाहिए। दूसरा, कहीं भी अगर शोषण होता है, कहीं भी किसी का यौन शोषण होता है और बाकी में ये घटना सच है, अगर छोटे बच्चों के साथ कुछ ऐसी घटना होती है, कृपा करके ना तो अभिभावक और ना ही दूसरे जो भी अधिकारी से जुड़े होते हैं, मैं पुलिस अधिकारी जो पुलिस विभाग है हमारा उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कम से कम जो छेड़खाने का जो मुद्दा है, जो पॉक्सो का मुद्दा है, उसको कृपया हल्के में ना लें। और अगर बच्चे इस दौरान कुछ स्टेटमेंट देने से हिचकिचाते भी हैं तो मुझे ऐसे लगता है उनको मौका देना चाहिए, ना कि हमें उनको ये इस तरीके से डराना है कि अगर आप आगे आओगे तो इसमें आपको बहुत सी पेशियां पड़ेंगी, आपको बार बार कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, आपको घूमना पड़ेगा, आपको कभी थाने, कभी कोर्ट, कभी कुछ। इस प्रकार का जो है मानसिक हमें जो है प्रेशर बच्चों या उनके अभिभावकों को बिल्कुल नहीं देना है। अगर उनको अपनी बात रखने में कोई दिक्कत आती है तो कृपया करके वो चाइल्डलाइन में भी, हमारा पुलिस विभाग चाइल्डलाइन में भी कांटेक्ट कर सकता है, हम अपने काउंसलर यहाँ से भेजेंगे या जिला बाल संरक्षण इकाई है वहाँ से काउंसलर जो है वो बच्चे की काउंसलिंग के लिए हम लोग दे सकते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि अगर बच्चे के साथ शोषण हुआ है तो कहीं ना कहीं जो आरोपी है या जो दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी परिस्थिति में कुछ हम एक ऐसा माहौल बना देते हैं जहाँ पे हम जो है आरोपी जो है उसको बचने के लिए रास्ते हम निकाल लेते हैं, परंतु जो पीड़ित है अगर हम उसके लिए रास्ते बंद कर देते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कहीं ना कहीं हम उस अपराध को जो है वो हवा देने का काम करते हैं।